सिद्धांत टीका को जगत गुरु शिल प्रभुपाद दी जय, समस्त वाह गौड़ी रूपानो गुरुवर गजन की जय, षड स्वामियों की जय। प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अरविंद गदाधर शिव शरि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश नाथ ऊंचे वज मंडल धाम की जय। सदा कृपदाता के ताज महाराज की जय, राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय। श्री गुरु चलेगी क्या मेरी कजिन तो भी आएगी। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले श्रीपद अनुपम प्रभु जी से गौरांग बोलते हो गए इस कीर्तन हम लोग सुनते हैं। कीर्तन गुरुदेव को बहुत ही प्रिय था, हम भी जाते थे इस कीर्तन को निश्चित रूप से गाने के लिए कहते थे। ये कीर्तन श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी इसीलिए हम लोग सबसे पहले अनुपम प्रभु जी से गौरांग बोलिते इस कीर्तन सबसे पहले हम लोग सुनते हैं। आइएगा अनुपम प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्टार्ट कर दीजिए, पहले साउंड चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद। जी जी प्रभु, ठीक है जी। हाँ श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। साउंड ठीक है? साउंड ठीक है ठीक है, स्टार्ट करो। गौरंग बलिते हवे पुलका शरीरा, गौरंग बलिते हवे पुलका शरीरा, हरि हरि बलिते ज्ञाने भवे नीरा, हरि हरि बलिते ज्ञाने भवे नीरा। आर कबे निताय चंदेर करुणा होइबे, आर कबे निताय चंदेर करुणा होइबे, आर कबे निताय चंदेर करुणा होइबे, आर कबे निताय चंदेर करुणा होइबे। संसार वासन मो कबे तू चाहवे, संसार वासन मो कबे तू चाहवे, विषय छड़िया कबे सुधा हवे माना, कबे सुधा हवे माना, विषय छरी कबे सु
धावे माना सायधरिया खोवे सुधावे माना कबे हमाहे रबो श्री वृंदावन कबे हमाहे रबो श्री वृंदावन गुरु पर गोनाथ पदे हईबे आकुति पर गोनाथ पदे हईबे आकुति गुरु पर गोनाथ पदे हईबे आकुति गो नाथ पदे हईबे आकुति कबे हम बुझब से जुगल प्रीति कबे हम बुझब से जुगल प्रीति ओ कबे हम बुझब से जुगल प्रीति कबे हम बुझब से जुगल प्रीति रूप गुनाथ पदे रहु मोर आसारु पर गुनाथ पदे रहु मोर आसारु पर गुनाथ पदे रहु मोर आसारु पर गुनाथ पदे रहु मोर प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास 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 जय सच्चिदानन्द जय गौर हरि जय सच्चिदानन्द जय गौर हरि जय सच्चिदानन्द गौर हरि सच्चिदानन्द जय गौर ओ जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अनिताय गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपने बहुत ही सुंदर ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का कीर्तन गाया है। जैसे मैंने प्रारंभ में भी जैसे मैंने फिर बताया श्री गुरुदेव का ये कीर्तन बहुत ही प्रिय था। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत ही भावपूर्ण रीति से इस कीर्तन को गाया है। श्री गुरुदेव इसको बहुत ही पसंद करते थे क्योंकि इसमें साधन भजन का जो लक्ष्य है उसको श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बड़े ही सुंदर रूप से व्यक्त किया है। इसके बाद हम लोग परम पूज्य श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी से हम लोग श्री गुरुदेव की जो महिमा के बारे में सुनेंगे। गजेंद्र प्रभु
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो वीडियो कर देना ऑन अभी। शेयर ना स्टार्ट हुआ है। हाँ आ रहा है स्क्रीन से अभी स्टार्ट करा है। हाँ तो ठीक आ रहा, ठीक आ रहा। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद 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 विजय महाराज। हम लोग जय जय जय, हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं आज कि हम लोग श्री गुरुदेव के बहुत ही प्रिय पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी से श्री गुरुदेव के बारे में हम लोग सुनेंगे। पूज्य श्री महाराज जी को सभी लोग जानते हैं तो इसलिए विशेष रूप से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी गुरुदेव का पहले महाराज जी का पहले का नाम था श्री रसानंद प्रभु। तो श्री गुरुदेव सब समय कहते थे कि रस बरसाता है और इतना सुंदर रसपूर्वक सब समय ये सुंदर सुंदर कथाएं कहते थे कि श्री गुरुदेव जो है निश्चित रूप से महाराज जी से प्रत्येक बार ये बुलवाते थे। तो इसलिए और श्री गुरुदेव के बहुत ही निकट रहे हैं और वर्तमान में पूज्य श्री महाराज जी जो हैं अक्लांत रूप से पूरे विश्व में, और मतलब आप इनका शेड्यूल देखेंगे दो मिनट का मतलब सांस लेने का भी टाइम नहीं है, फिर भी पूरा साल महाराज जी जो हैं महाप्रभु के और गुरुवर्गों की जो वाणी है उस वाणी के कीर्तन में सब समय व्यस्त रहते हैं। तो इसलिए महाराज जी से हम लोग करते हैं प्रार्थना श्री गुरुदेव के बारे में सुंदर रूप से कुछ कहें। महाराज जी आपसे प्रार्थना है, पहले की बात है, ठीक है, तत्व की कोई बात नहीं है और आप बिल्कुल गुरुदेव के पास क्या आपको मतलब प्रभावित किया जिसके वजह से आकर्षित होकर के उनके पास आप पहुंचे, क्या शिक्षा आपको प्राप्त हुई और पहले के दिन कैसे थे, कैसा गुरुदेव का स्नेह मिला, बस आप दिल खोल के सारी बात रख लीजिए आज, ठीक है। सभी लोग सुनना चाहते हैं आपसे जो जो सुन नहीं पाते हैं कभी, है ना, तो इसलिए प्रार्थना है। छवि लाइट ठीक से नहीं पड़ रहा है ना, ठीक है महाराज जी, ठीक है सब कुछ ठीक है, लाइट भी ठीक, सब ठीक है, आवाज आ रही है, हाँ सब ठीक है महाराज, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट कर लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भजामि राधाङ्गमरविन्दनेत्राङ्ग स्मरामि राधाङ्गमधुरस्मितास्याङ्ग वदामि राधाङ्गकरुणाभराद्राङ्ग ततो मम नास्ति गतिर्न क्वापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज श्री गुरुदेव के जो मधुर स्मृतियां हैं, उनकी जो मधुर मधुर जो व्यवहार है वैष्णव का, ये इसी विषय पर आज हम लोग
श्रवण करने के लिए हम जा रहे हैं। कहते हैं, कहते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते गुरु जी की, कहते जितने ध्यान में मूल ध्यान क्या है, बोले गुरु जी की मूर्ति है। कहते जितने पूजा है, सर्वश्रेष्ठ पूजा किया है, बोले गुरु जी का चरण है। जितने मंत्र है, मंत्र में सर्वश्रेष्ठ मंत्र किया, बोले गुरु जी की वाक्य है। और मोक्ष भगवत प्रेम प्राप्ति का जो मूल किया है, बोले गुरु जी की कृपा ही है। इसलिए आज हम लोग श्री गुरु जी की जो दिव्य, जो स्नेहमयी, उनका जो व्यवहार है, आज हम इस विषय के ऊपर में हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। आज मैं बताऊंगा मैं कैसे श्री गुरु जी के पास में मैंने कैसे आया है। कहते मेरा बचपन में एक स्वभाव था हरिकथा बोलना और हरिकथा सीखना। ये स्वाभाविक रूप में मेरे अंदर में एक उत्कंठा थी। इसलिए मैं यहाँ पर एक नंदनंदन प्रभु, यहाँ पर श्री जगन्नाथपुरी में नीलाचल गौड़िया मठ में रहते थे, कभी कभी मैं उनको पास में चले जाता था। वो कभी कभी गुरु जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं गुरु जी की सुनाया करते थे। गुरु जी कैसे बिना भेदभाव रखते हुए बच्चों को कैसे हरि कथा सिखा देते हैं, मैंने उनको पास में सुना। इसलिए उनसे सुन करके मेरे मन में लोभ हुई। मैंने सुना यहाँ पर इसी जगत में भी दो व्यक्ति है जो कि बच्चों को सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं और कथा सिखाते हैं। बोले एक है मथुरा में श्रील भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, और एक श्री भुवनेश्वर में श्री गौर गोविंद महाराज। ये दोनों बड़े सुंदर हरि कथा सुनाते हैं। अभी मेरे मन में उत्कंठा हुई, मैं भी कभी जाऊं और मैं भी कभी कथा सुन, कभी हरि कथा सीखूं। इतने में कुछ कारण वशतः यहाँ से मेरे को श्री नंदनंदन प्रभु जी, उन्होंने बोले देखो मेरी अंदर में उत्कंठा को देख करके हरि कथा सीखने का, जानने का, तत्व विचार सीखने का जो उत्कंठा देख करके, बोले आप चले जाओ मथुरा में श्री नारायण गोस्वामी महाराज के पास में चले जाओ। तब उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके और टिकट बना करके उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने श्री तीर्थ महाराज उस समय इंचार्ज थे, उन्होंने तीर्थ महाराज के पास में उन्होंने ये पत्र लिख करके भेजे कि तो मैं एक बच्चे को मैं आपको पास में भेज रहा हूँ महाराज के पास में, आप मेरे को जैसे स्नेह करते हो ये बच्चे को भी वैसे स्नेह करना। उसी समय में मेरा उम्र होगा 20 साल ऐसा होगा। मैंने जब बड़े कष्ट करके मैंने वहां से मंदिर से छुप करके, क्योंकि मैं पहले पूरी मंदिर में बहुत बहुत ही सेवा करता था जिसका कल्पना भी नहीं किया जाएगा। मेरे दिन में चार माला करने के लिए भी चार पैरे ये भी समय नहीं होता था, इतना में करता था, सेवा करता था। लेकिन जब मैं वहां से चला गया, अभी मंदिर में तो मेरे को ढूंढने के लिए पागल जैसे हो गए। मेरे गाँव में गए, सारा दुनिया में मंदिर में घूमे, कहाँ चला गया रसानंद मंदिर का, इतना सेवा करता था। लेकिन जब फिर मैं मथुरा में आया, जब सर्वप्रथम श्री गुरु जी का तो हमने बड़ी महिमा सुना था, लेकिन सचमुच से जब मैं मथुरा में आया तो सर्वप्रथम श्री महाराज जी को दर्शन हुआ। कहते हम सुनते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गंगार परस हैले पश्चाते पवन दर्शने पवित्र कर ए तो मार गुण। सचमुच से जो पहला बार मेरे गुरु जी को दर्शन किया, क्या उनकी अपूर्व मूर्ति है, क्या सुंदर उनकी मूर्ति, कैसे ऐसे लग नहीं रहे थे कोई ये इंडियन, जैसे लग रहे थे ये कोई विदेशी है। उनकी जो नील नीली आंखें, जो उनका सुंदर जो चेहरा, उस समय ठंडा का समय था, वो ऐसे लग रहे थे जैसे पूरा जैसे कोई गोरे हैं, ये लग नहीं रहे थे कोई ये कोई इंडियन। अद्भुत, इनको तो पहला दर्शन करते ही, इनके दर्शन मात्र से ही मेरा मन तो उन्होंने पूरा के पूरा उन्होंने खींच करके उन्होंने ले लिया। मेरे गुरु जी को मैंने प्रणाम किया, गुरु जी ने मेरे को पूछा आप किसके शिष्य, कहाँ से आए, मैंने सारे परिचय दिया। बोले महाराज जी आपकी हमने बड़ी महिमा सुनी है, आप बड़ी सुंदर सुंदर हरि कथा सुनाते हो, हरि कथा सिखाते हो बच्चों को, इसलिए इसी लोभ से मैंने आपका श्री चरण में आया। गुरुदेव सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और अपना श्री चरण में हमको रखा।
ये मेरी अनुभूति बात, जब मैंने मथुरा में आया उसका क्या स्थिति कैसे था, जैसे श्री अगस्त ऋषि का, जैसे ऋषि जब अगस्त ऋषि रहते थे, जैसे भगवान राम जब वनवास में गए थे, जब अगस्त ऋषि में उन्होंने प्रवेश किया, वहां पर देखा नेवला जो सांप है वो आपस में चुम्बन कर रहे, देखा शेर के जंगल के ऊपर में हिरण सर रख करके सो रहा है, वहां पर जो खाद्य खादक एक दूसरा का जो भोजन का वस्तु वो दोनों दिन में प्रेम कर रहे हैं। जब मैंने मथुरा में आया, गुरुदेव का भजन का जो प्रभाव हमने देखा, अद्भुत रूप में गुरुदेव की हमने कभी सेवा भी की है, अद्भुत रूप में गुरु जी का हमने भजन साधन को देखा और मंदिर का पूरा परिवेश को देखा। गुरु जी कैसे कोई गुरुवर्ग का तिथि आने पर गुरुदेव क्या करते थे, गुरुदेव चार चार बार कथा सुनाते थे, सवेरे एक बार, दोपहर में एक बार, शाम के एक बार और रात एक बार कथा सुनाते थे। ये कथा की प्रभाव से और गुरुदेव का भजन का प्रभाव से अद्भुत रूप में मैंने देखा परिवेश, कैसे सारे ब्रह्मचारी सन्यासी 24 घंटा में 24 घंटा कैसे भगवत कीर्तन भजन स्मरण में एकदम कैसे डूबे हुए, कैसे गुरुदेव का मैंने ये साक्षात रूप में मैंने वहां पर मथुरा में अनुभूति किया गुरु जी की। और गुरु जी की अंदर में जो प्रेम भावना हमने देखा, जिसको हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं, शिक्षा गुरु के तजानी कृष्ण स्वरूप, और दीक्षा गुरु के जो कृष्ण रूप, रूप और जो स्वरूप प्रभुपाद कहते हैं केवल सुनने के लिए रूप और स्वरूप नाम अलग है लेकिन तत्व तो एक है। सचमुच हमने देखा, हमने गुरुवर्ग से सुना था एक ब्रह्मचारी मठ में कैसे रह सकता है, बल वो पिता माता के स्नेह को छोड़ करके जब मंदिर में आता है, घर में पिता माता के स्नेह उसको जितना मिलता था, मंदिर में अगर गुरु जी से उससे ज्यादा जब मिलता है तभी पिता माता का स्नेह को भूल करके तभी कोई ब्रह्मचारी मंदिर में रह सकता। लेकिन मैंने महाराज के अंदर में ये चीज हमने स्वयं देखा, गुरु जी के अंदर में मैंने स्वयं ये चीज का लक्षण किया। इसलिए जिसको कहते हैं अयम निज परवेत गणला लघु चित साम उदार चरित मना तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरे ये उसका इस चीज को कौन चिंता करता है, जिसका हृदय छोटा हृदय है, लघु चित है, लेकिन जिसका उदार चरित मना जो महाभागवत है उनका अंदर में ये अयम निज ये मेरे ये तेरे ये भावना नहीं रहता है। गुरु जी के अंदर में ये चीज का हम प्रत्येक रूप में हमने देखा, ये चीज को गुरु जी कभी भी ये मेरे शिष्य वो इसके शिष्य के अंदर कभी भेद भावना गुरु जी के अंदर में हमने कभी नहीं देखा। गुरु जी ने देखा जैसे श्री जीव गोस्वामी के पास में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, जैसे ये तीनों ने सारे शास्त्र की शिक्षा लिया, हम देखा गुरु जी के पास में सबके स्वामी महाराज का शिष्य है, जैसे मैं है सिद्धांत महाराज, श्री माधव प्रिय प्रभु और उसी दूसरे दूसरे व्यक्तियों का जो शिष्य लोग कैसे गुरु जी के पास में कैसे रह रहे हैं और गुरु जी कैसे उनको अपना मान करके, ये चीज को मैंने प्रत्येक रूप में अगर कभी किसी ने कभी बोल दिया था अरे उसका शिष्य है, गुरुदेव कभी सुन लिया ना उसको सीधा कान पकड़ के बोल दिया गुरुदेव, बोले ये क्या बोल रहे हो, उसका शिष्य, उसका शिष्य क्या है, यहाँ पर सबके सब हम भगवान की भजन करने के लिए आए, हम एक गुरु परंपरा के ही हम सबके सब शिष्य है, खबरदार कभी ऐसे बोलना नहीं ये इसका शिष्य कभी इसका शिष्य है। इसलिए गुरु जी के अंदर में ये भेदभाव नहीं रहने का नाते, इसलिए गुरु जी के पास में सबका शिष्य आकर के, जैसे जीव गोस्वामी के चरण में सबके शिष्य आकर के आश्रय किया था, इसलिए हमने स्वयं ये चीज का अनुभूति देखा गुरुदेव का चरण में सबके सब अपना मान करके ये गुरु जी के चरण में सबके सब आश्रय लिए। और देखा गुरु जी के चरण में एक विशेष चीज हमने देखा, क्या देखा, गुरु जी के चरण में जब जब हम लोग कोई जाते थे ऐसे लगता था गुरुदेव हमें जितना प्यार करते हैं शायद और किसको इतना प्यार नहीं करते, ये चीज हमने ये चीज की अनुभूति किया है, गुरुदेव सबको ऐसे व्यवहार करते, ऐसे गुरुदेव सबसे बात करते थे, लगता था गुरुदेव हमें सबसे ज्यादा गुरुदेव हमें ही प्यार करते हैं। इसलिए गुरु जी के अंदर में ये दिव्य चीज केवल ये महाभागवत को अंदर में ये चीज हो सकता है, ये चीज सभी का अंदर में ये चीज हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने जब वहां पर आया, मैंने आया था वहां पर हरिकथा सीखने के लिए मैंने आया था, गुरुदेव का अंदर में देखा मैं स्नेह
गुरुदेव सबको कोशिश करते हैं सब लोग हरिकथा सीखे। ये गुरु जी के अंदर में ये विशेष विशेष वस्तु था, सबको कोशिश करते सबको हरिकथा सुना हरिकथा सुने। जब मैंने पहले मंदिर में आया तब भक्त विनोद ठाकुर का अतिथि आया, गुरुदेव बोले रसानंद मेरे को उस समय तो एकदम नए नए मेरे 20 साल उम्र है, बोले रसानंद तुम कुछ हरिकथा सुनाओ। मैंने कहा गुरुदेव मैं कुछ इतना लोग इतना बड़े 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 वैष्णव बैठे हुए मैं क्या इनको सामने बोल सकता हूँ। गुरुदेव बोले तू मेरा आदेश पालन करोगे ना मैं तेरा आदेश पालन करूंगा। मैंने देखा भगवान क्या होगा, मैंने कहा गुरु जी आदेश दिया, मैंने खड़े किया बोलने के लिए, मैंने हरी कथा तो किसी तरह से सुनाया मेरे टूटी फूटी हिंदी भाषी से, लेकिन मेरे शरीर से तो पसीना पसीना बह गया, इतने डर गया गुरु जी के सामने पहला बार। लेकिन कुछ दिन बाद में फिर बलदेव विद्याभूषण का अतिथि आया, मतलब देखा गुरु जी कितने स्नेह करते हैं बच्चों को, गुरुदेव के हृदय में कितने स्नेह भावना बच्चों के प्रति, कैसे गुरुदेव अपना गुरु वर्गों का जो देन है गुरुदेव कैसे ये देन को कैसे देना चाहते हैं मेरे परिवर्तित समय में, ये जो बच्चे कैसे धीरे 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 कैसे भजन करे साधन भजन करे, गुरुदेव कितने ध्यान देते थे मैं चीज को हमने देखा गुरु जी के अंदर में। बलदेव विद्याभूषण का तिथि आया तो गुरुदेव का ये था सबर तो एक बार करते हैं दोपहर में शाम को सबको चांद से देते हैं, तब गुरुदेव का ये बात था। देखो पहले जब कोई बोल दे जो रिपीटेशन कर दे उसको बाद इसको जो कोई बोल दे कोई पॉइंट को बाद में उसको रिपीटेशन नहीं करना, कोई नई बात बोलना, तो उसको पहले दो तीन वैष्णव खड़ी कर दिए। मेरे को बोले रसानंद तुम कुछ बोलो। मैंने कहा महाराज सबके सब तो बोल दिए मैं क्या बोलूंगा, है ये सबके सब तो बोल दिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। गुरुदेव सबके सामने मेरे को जो डांट लगाई बोले मंदिर में किसी लिए आए हो, खाने और सोने के लिए मंदिर में आए हो यहाँ पर, है वहां पिता माता की सेवा नहीं किया उनको धोखे दिया और मंदिर में सबको धोखे देने के लिए आए हो, इसलिए मंदिर में आए हो, सिद्धांत तत्व दर्शन को ये चीज को समझो, यही हमारी गुरु परंपरा की यही देन है, इसलिए ये चीज को समझो, जब तक नहीं समझोगे तो जीवन में करोगे क्या। मतलब देखा गुरु जी के अंदर में कितने बात्सल्य, गुरु जी के अंदर में कितने प्रेम है बच्चों के प्रति गुरु जी के, है कैसे बच्चे कैसे आगे कैसे बढ़े ये चीज को मैंने देखा। गुरुदेव मेरे को जो डांट लगाया लेकिन गुरुदेव जो गुरु वर्ग का जो शासन है ये चीज को मैंने प्रत्यक्ष अनुभूति दिया। गुरु वर्ग अगर किसको शासन करते हैं ये समझनी चाहिए हमारे ऊपर में कृपा है आशीर्वाद गुरु वर्गों की। मैं ये चीज को प्रत्यक्ष मैंने अनुभूति किया, मैंने इतने डर गया गुरु जी के शासन से, मैं इतने सावधान हो गया अगर कोई गुरु वर्ग का तिथि आए ना अपने पंचांग देखना शुरू करता था 15-20 दिन पहले, अगर फिर गुरुदेव खड़े कर दिया अगर बोल नहीं पाएंगे तो क्या होगा, फिर गुरुदेव फिर शासन करेंगे, मतलब हमने फिर मैं 20-25 दिन पहले तैयार करना शुरू कर दिया। करते 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 गुरु जी की ऐसे कृपा हुई ऐसे आशीर्वाद हुई, अगर कहीं अगर कोई तिथि हो ना सबसे पहले गुरुदेव मेरे को चांस दे दे, सबसे पहले रसानंद रस बरसाएगा अभी, गुरुदेव ये बात को बोलते थे। मैं देखा गुरु जी वैष्णव जब शासन करते हैं उनकी शासन में कितने दया, मैंने ये चीज को गुरु जी से मैंने अनुभूति मैंने किया है, जीवन गुरुदेव ने हमारे जीवन को जो बदला दिया, इसलिए अभी जो थोड़ी बहुत हम लोग को बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये गुरु जी का ही देन है। इसलिए एक दिन गुरुदेव पूछे रसानंद तू तेरे को क्या आता है, तेरे को रोसी बनना आता है, तेरे को पूजा करना आता है, तेरे को मृदंग वजन आता है। बोले गुरुदेव हम चीजों में परफेक्ट तो नहीं जानता हूँ लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ये चीज को मैं थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ। गुरुदेव ने कहा देखो बेटा ये जो रोसई सेवा है ना ये राधा रानी की सेवा है, कृष्णा राधा रानी के हाथ के बगैर किसी के हाथ को भोजन नहीं करते हैं, जो रोसई बनाना जानते हैं पहले ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, उसी प्रसाद को गुरु जी पाते हैं, फिर उसी प्रसाद को वैष्णव पाते हैं, ये रोसई ऐसे एक सेवा है जिसको द्वारा तुम सभी को तुम संतुष्ट कर सकते हो। इसलिए गुरुदेव खुद कहते थे देखो रसानंद जब मैंने रसोई बनाता था मेरे गुरु जी जब पाते थे ना उनको पता चल जाता था ये रसोई जरूर गौर नारायण का, क्योंकि गुरुदेव का ब्रह्मचारी का नाम था गौर नारायण, कहते मेरी प्रसाद खा कर गुरुदेव बोलते थे ये प्रसाद श्री गौर नारायण बनाया, इसलिए गुरुदेव मेरे नाम जान लेते थे, इसलिए गुरु जी को मैं स्वयं रसोई बना करके गुरु जी को मैं खिलाया करता था। चलो रोसई को गुरुदेव मैंने देखा गुरुदेव का आदेश, क्योंकि मैं मंदिर रहते हुए मैं सोचता था
ये रसोई तो औरतों का काम, माताओं का काम है, ये लोग सब रसोई बनाते, ये हमारे इसमें क्या मतलब है। इसलिए लेकिन गुरुदेव की भावना को समझते हुए मैंने ये रसोई बनाना शुरू किया मथुरा भट में। लेकिन मेरे को तो किसी ने सिखाया नहीं, मेरे को पता नहीं था कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, मेरे को पता नहीं। कभी कभी तेल ज्यादा गर्म हो गया डालते तो आग लग जाती थी कभी कभी, ऐसे करते 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 फिर मैंने, लेकिन गुरुदेव ने कभी मेरे को शासन नहीं किया, लेकिन गुरुदेव उत्साह देते थे, तुमने बहुत बढ़िया बनाया, बहुत अच्छा प्रसाद बनाया है। गुरु जी की उत्साह सुन करके मैंने रसोई करते 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 फिर मथुरा में बनाया, उसके बाद में वृंदावन में आया तो सारा जीवन रसोई बनाया। अभी भी मैं यहाँ पर भी बड़ौदा में हूँ, अभी भी मैं कभी कभी यहाँ रसोई अभी भी बनाता हूँ, क्यों गुरुदेव ने बताया था जो रसोई सेवा है इसमें ठाकुर गुरु वैष्णव ये सब के सब उसमें खुश हो जाते हैं। इसलिए अभी भी मैं रसोई, मेरे को गुरुदेव का आदेश, मेरे रसोई बहुत अच्छा लगता है बनाना। यहाँ भी कभी कभी मैं रसोई कभी कभी मैं यहाँ भी बनाता हूँ। जब मैंने मंदिर में आया, मैंने देख जब गुरुदेव स्नान करने के लिए जाते थे गुरुदेव तेल लगाते थे, सरसों तेल लगाते थे, मैं तो नया नया आया था, मैं देखता था ये सब वैष्णव लोग कोई कोई जैसे मंगल महाराज थे, कोई कोई जाकर थोड़ा तेल लगा लेते थे ऐसे थोड़ा, और गुरुदेव थोड़ी साधारण तेल लगा कर नहा लेते थे, और कोई आकर थोड़ा लगा दिया। लेकिन मैंने बैठ बैठ कर देखता था, मैंने कहा मैं क्या गुरु जी की थोड़ी सेवा कर सकता हूँ गुरुदेव का। एक दिन मैंने किया क्या जानबूझ कर गुरुदेव मेरे को, क्योंकि गुरु जी का मैं गुरु भाई लगता हूँ, क्योंकि गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और मेरे गुरुदेव भक्ति इसलिए ये दोनों गुरु भाई, इसलिए गुरुदेव मेरे गुरु भाई लगते हैं महाराज के, इसलिए गुरुदेव सहज में मेरे को गुरु भाई नाते गुरुदेव मेरे को कहते मेरे गुरु भाई लगता है, सेवा करने देने के लिए कभी संकोच बोध करते थे। इसलिए मैंने एक दिन गया गुरुदेव बोला तू सेवा तुम तेल नहीं लगाना, बोले महाराज मैं थोड़ी सी लगाता हूँ। मना करने पर मैं जोर जबरदस्ती मैंने गुरु जी की मैंने शरीर में मैंने तेल लगाया थोड़ा पहले, लेकिन गुरुदेव ने सेवा को ग्रहण किया। जब ग्रहण किया उसको बाद में फिर तो गुरु जी को जो कंटिन्यू मैंने तेल लगाना शुरू किया, गुरुदेव जो जाते थे गुरुदेव सवेरे है घूम करके आते थे, मैं बैठे रहता था कब गुरुदेव आएंगे गुरुदेव का तेल लगाऊंगा। फिर बाद में मैं अकेला ही गुरुदेव को एक घंटा आधा घंटा तक गुरुदेव को खूब अच्छे तरह से पूरा शरीर से अच्छे तरह से गुरुदेव का तेल लगाया करता था। उसको बाद में माधव महाराज ने मेरे ऊपर एक श्लोक लिख दिया है, श्लोक ये लिख दिया कहते शिष्य से सिद्धांत से नारायणम पर किया तैल मर्दन नित्य सेवा चाचा गुरु भजा में। उन्होंने एक श्लोक मेरे ऊपर लिख दिया, गुरुदेव का कैसे लिए नित्य कैसे तेल की गुरुदेव के कैसे सेवा करते हैं। गुरुदेव जब शयन करते थे जाकर गुरुदेव को चरण दबा करके गुरुदेव को सुलाना, गुरु के सर में हैं जो एक तैल लगा करके गुरुदेव का शयन कराना, ऐसे ही गुरुदेव का मैंने कंटिन्यू गुरुदेव का मैंने सेवा करते रहा। और गुरुदेव बड़े प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे गुरुदेव, मैंने ये चीज को देखा है, क्योंकि इधर उधर कुछ नहीं सोचते थे, इसका शिष्य इनके अंदर में ये भावना एकदम नहीं रहता था गुरु जी के अंदर में। एक दिन गुरुदेव ने मेरे को बुलाए, बोले देखो रसानंद ये शरीर सुस्त रहते समय जितना पारो ये शरीर को रगड़ करके इसको भगवान के भजन भगवान का नाम लगा दो, क्योंकि जब ज्यादा उम्र हो जाएगा फिर ये शरीर भजन के लायक नहीं रह जाएगा। हम चाहने पर भी इसी भजन इस शरीर से हम भजन नहीं कर सकते हैं। अभी तुम लोग शरीर सुस्त, अभी ये शरीर का महत्व तुम लोग नहीं समझ रहे हो, लेकिन ये शरीर से ही जितना हो सके रगड़ करके इसको गुरु वैष्णव की सेवा और भगवान का नाम जप कर लो, भजन कर लो, जितने ये जरत गबर शरीर होने पर भी ये शरीर भगवत प्राप्ति की एक बहुत बड़ा साधन है, इसलिए इस शरीर से जितना हो सकता है इसको करो। और गुरु जी के अंदर में हमने और एक विशेष चीज देखा, कत अल्प सेवा बहु करिमानी, ये वैष्णव का ये एक विशेष गुण है। मंदिर में बहुत जब गुरुदेव रहते थे बहुत सारी ब्रह्मचारी भी मंदिर में रहते थे, इसलिए गुरुदेव कोई एक एक सेवा कोई कर लेते थे उसमें हो जाता था, लेकिन अगर कोई मृदंग थोड़ी बजा दिया, कोई थोड़ी सी ठाकुर का सेवा कर रहा है, कोई थोड़ी सी कीर्तन करता है, बस गुरुदेव कहता अरे ये मृदंग बजाता ना, ये सेवा करता ना, ये करता, बस गुरुदेव उसी में ही संतुष्ट रहते थे। और गुरु जी के अंदर में एक विशेष चीज को हमने देखा गुरु जी के अंदर में, क्या इनके अंदर में
जो ब्रह्मचारी वा सन्यासी शास्त्र तत्व सिद्धांत को अच्छे तरह से उसमें प्रवेश की है, ये चीज को अच्छे तरह जो समझता है ना गुरुदेव, सबसे ज्यादा उसको गुरुदेव प्रेम करते थे। ये चीज हमने गुरुदेव के अंदर में ये चीज को हमने लक्ष्य करके देखा, इसलिए गुरुदेव कभी कभी कहते थे बोले देखो जैसे किसी पिता कोई बिजनेस है, वो पिता देखता है मेरे परवर्ती समय में ये बिजनेस को कौन कौन सही सही कौन चलाएगा, ये चीज देखते हैं। उसी तरह गुरु वर्ग का जो विचार, हमारी जो वस्तु है ईट पत्थर ही ये गौड़ीय मठ नहीं, गुरुदेव कहते थे हमारे जो विचार सिद्धांत ही ये हमारी यही आदर्श है, इसलिए ये चीज को जो सच सच रूप में धारण कर सकता है, ये चीज को समझ सकता है, समझो ये गुरु परंपरा की जो परंपरा को वही ये परंपरा को वही रक्षा करता है। इसलिए जब मैंने पहले गुरु मंदिर में आए, देखो एक चीज को देखा, अपना अपना लड़के को कोई पालन कर सकता है लेकिन दूसरे लड़के को पालन करना इतने आसानी बात नहीं, इतने आसानी बात नहीं, दूसरे बच्चों को भी अपना बच्चा मानकर पालन करना, लेकिन ये गुरुदेव के अंदर में ये चीज को हमने देखा है। गुरुदेव के अंदर में उन्होंने सबको बराबर रूप में, कैसे गुरुदेव बराबर रूप में देखते थे। और उन्होंने जब पहले आया मंदिर में, हम जैसे हमारा मंदिर में सब मंदिर में जैसे कार्तिक महीना आ जाए, कार्तिक महीना में जैसे नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम गौड़ीय मठ में ऐसे बोल देते हैं, लेकिन जब मथुरा मठ में मैंने कार्तिक महीना जो पहला बिताया, हे गुरुदेव जब नमामि स्वरम ये जो भजन को गुरुदेव ने गाए, क्या गुरुदेव की कंठ आप लोग सब सुने हैं, आपको क्या बता है, जैसे कोयल जैसे कुहुकती है ऐसे गुरुदेव की जैसे सुंदर कंठ से जब गुरुदेव ने इसको गाए, मैंने कहा भैया हमने तो कभी इतने सुंदर हमने देखा नहीं। और एक महीना तो गुरुदेव इसको व्याख्या करते थे। इसलिए कहते गुरुदेव जब परिक्रमा पहले होता था हमने देखते थे, क्या देखते थे, जैसे उस समय एक बस में ही हम लोग परिक्रमा करते थे जिसमें एक दिव्यग्रह महाराज और हमारी महाराज रहते थे। जब रहते थे जैसे बस का दो साइड है, एक साइड में तो त्रिविक्रम महाराज बैठते थे और दूसरे साइड में हमारी महाराज जी बैठते थे। जब बैठते थे इतने में त्रिविक्रम महाराज को महाराज से कुछ सुनने के लिए छेड़ देते थे कभी कभी, बोले कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान परतत्व, कृष्ण से छोड़ करके और कोई जगत में परतत्व नहीं, कृष्ण ही सब कुछ है। फिर उसको सुन करके फिर गुरुदेव का शुरू हो जाता था राधा रानी की महिमा, हाँ गुरुदेव फिर राधा रानी की महिमा गाना शुरू कर देते थे। इसलिए हम चलते समय उस समय में फिर राधा रानी जो गुरुदेव बोलते थे देखो एक भजन को गाओ, सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी, फिर ये भजन को फिर दूसरे व्यक्ति का, इसलिए इनके अंदर बड़े सुंदर सुंदर इनके अंदर में प्रेम कलह होता था। और गुरु जी के अंदर में जब मैं जैसे रूप सनातन मठ में वहाँ के जो इंचार्ज था, वो इंचार्ज ने जब चले गए फिर गुरुदेव मेरे को बुलाए, बोले रसानंद अभी ये मंदिर को तुमको ही देखना पड़ेगा, इसका इंचार्ज काम अभी तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव मेरे को बुला करके वहां पर मंदिर में और कोई थे लेकिन गुरुदेव के अंदर में देखा मैंने, कैसे गुरुदेव कभी ये नहीं सोचते ये दूसरे के शिष्य वो इसके शिष्य, गुरुदेव के अंदर में ये भेदभाव नहीं था। गुरुदेव ने मेरे को बोले तुम अभी ये रूप सनातन मठ का तुम अभी इंचार्ज बनो, इंचार्ज बन करके अभी ये रूप सनातन मठ को तुम ही देखभाल करो। जब गुरुदेव भेजे लेकिन मैं वहां से क्या करता था, इतना दूर में चला गया लेकिन मैं रोज रोज आता था गुरुदेव के पास में हरिकथा सुनने के लिए आता था, गुरुदेव को रात कभी कभी रुक जाता था, चरण की सेवा करता था, हाँ गुरुदेव के चरण की सेवा करते थे। अभी वहां पर आप लोगों को पता है श्री रूप गोस्वामी गुरुदेव जब वहां पर गुरुदेव आकर 5 दिन वहां पर रुकते थे रूप सनातन मठ में, गुरुदेव 5 दिन वहां पर जो झूलना महोत्सव होता था गुरुदेव बड़े धूमधाम से झूलना महोत्सव को गुरुदेव पालन करते थे, क्योंकि गुरुदेव तो रमण मंजरी है, गुरुदेव का नित्य रमण मंजरी, इसलिए गुरुदेव जो झूलन सस्ता था गुरुदेव कहते थे रसानंद कोशिश करो ये झूलन और जो ये रूप गोस्वामी कहती थी हम 5 दिन तक अच्छे तरह से इसको यहाँ पालन करेंगे। पहले
नहीं होता था, रूप सनातन बैठे में नहीं होता था। एक दिन गुरुदेव मेरे को बुला करके बोले, जब बोले हम अच्छे तरह से झूलन यात्रा को हम अच्छे तरह से मनाएंगे। मतलब क्या ठीक है, वहां पर रूप सनातन में एक साधारण झूला था, लेकिन मैंने गुरुदेव की इच्छा को मैंने समझ करके गुरुदेव कहे थे अच्छे तरह से ये झूलन यात्रा को हम अच्छे तरह से मनाएंगे। इसलिए फिर मैंने जब अपना गुरु जी की मठ में रहता था, मैंने हमारा गुरु जी का मठ में बड़े सुंदर झूलन होते थे, अपूर्व सुंदर, इसलिए इस चीज को मैंने देखा था। लेकिन गुरु जी की मैंने भावना को समझते हुए, गुरुदेव का आदेश को पालन करते हुए मैंने जगन्नाथपुरी गया। जगन्नाथपुरी जाकर के झूलन जो बनाते वो मिस्त्री से मैंने बात किया। मिस्त्री से बात करके बोले यहाँ पर जैसे झूला है पुरी में, आप वृंदावन में झूला ऐसे बना सकते हो? बोले क्यों नहीं बना सकते, अब लोग पूर्व सनातन का अब लोग सब झूला देखे होंगे। मैंने अथाह परिश्रम करते हुए लोगों से कुछ भिक्षाओं को लेकर के मैंने ये झूलन बनाया। हे गुरुदेव, जब पहला बार गुरुदेव ये झूला को गुरुदेव देखे, आप सोच नहीं सकते हैं, ये झूलन वृंदावन पूरा पूरा उमड़ पड़ी ये झूलन देखने के लिए। ये गली के अंदर में रूप सनातन बट किसको इतना आप लोगों को पता नहीं था, ये झूलन पूरा प्रचार कर दिया। गुरुदेव इतने खुश हुए मेरे ऊपर में, इतने गुरुदेव खुश हुए, बोले रसानंद तुमने बनाया क्या ये सब चीज, क्या बनाया ये, कल्पना नहीं हो सकता तुम बनाया क्या ये सब चीज को। गुरुदेव इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए, हृदय से बड़े आशीर्वाद दिए। फिर गुरुदेव बोले देखो जो रूपक पहले जो रूप गोस्वामी का जो तिथि है, बाहर से वैष्णव लोगों को नहीं आते थे पहले, उस समय हम मंदिर मंदिर में ही ये करते थे। एक दिन गुरुदेव बुला करके बोले देखो रसानंद, हम चाहते हैं हमारी जो संप्रदाय का जो गौरव है, हम चाहते हैं ये सर्वत्र वृंदावन में भी बड़े बड़े विद्वान को भी ये बात पता चले हमारी गौड़ीय संप्रदाय का क्या महत्व है, क्या वैभव हमारे गौड़ीय वैष्णव का। हम चाहते हैं यहाँ के बड़े बड़े विद्वान को बुला करके रूप गोस्वामी का तिथि में हम 3 दिन धर्मसभा हम करवाना चाहते हैं। मैंने कहा गुरुदेव आपका क्या आदेश है? गुरुदेव गुरुदेव की गुरुदेव रमण मंजरी है गुरुदेव, इसलिए रमण मंजरी होने का नाते ये राधा रानी की निज जन है। राधा रानी जिसको स्वयं स्वप्न दे करके श्री पुजारी को कहते हैं, कहते सेवा कुंज को पुजारी को क्या कहते, ये नारायण गोस्वामी महाराज ये मेरी मंजरी, इनको प्रसाद दे करके आओ। और हम सबके सब रूपानुग है, इसलिए गुरु जी ये रूपानुगत को जगत में प्रचार करने के लिए गुरुदेव ने मेरे को बोले हम चाहते हैं यहाँ के बड़े बड़े विद्वान कहाँ कहाँ पर उसको ढूंढो, ढूंढ करके उनको नाम को हम ये इसमें देंगे, दे करके हम 3 दिन तक ये रूप गोस्वामी का विषय पर हम अच्छे तरह से इनकी देन, इनकी तत्व, इनकी विचार, इनकी सिद्धांत, इनकी रस, ये सब जगह सब हमारे दूसरे दूसरे वैष्णव संप्रदाय में भी उनको पता चले। इसलिए गुरुदेव फिर कार्ड छपवाए, छपा करके मैं जा जा करके सब जगह में जा करके निमंत्रण देता था, सब जगह पर निमंत्रण दे करके वहां के बड़े बड़े विद्वान को बुलाया करता था। अभी भी गुरुदेव का आशीर्वाद से अभी भी वो काम मैं भी कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए। लेकिन देखा गुरुदेव का अंदर में कितने उत्कंठा, और गुरुदेव उसमें कितने प्रसन्न गुरुदेव होते थे, कितने खुश होते थे ये रूप गोस्वामी की तिथि के ऊपर में अलग अलग वैष्णव। अभी भी ये सब चीज हो रहा है, इसलिए गुरुदेव अभी नित्य विद्यमान है। इसलिए गुरुदेव हमने देखा जब गुरुदेव समय होता था कथा होने की, गुरुदेव मेरे को बोलते थे रसानंद कुछ लोग आए कि नहीं, मैंने जाकर देखता तो थोड़ी कुछ बोले चलो मैं चलता हूँ। मैंने कहा गुरुदेव थोड़ी सी रुक जाओ, थोड़ी सी लोग ज्यादा लोग आ जाए फिर आप चलोगे। बोले मैं जाऊंगा तो अपनी आप लोग आ जाएंगे। इसका मतलब मैं देखता था गुरु जी के अंदर में कितने उत्कंठा थी ये रूप गोस्वामी का अतिथि को पालन करने के लिए। गुरु जी के अंदर में कितने उत्कंठा गुरु जी के अंदर में थी, कितने उत्कंठा गुरु जी के अंदर में हमने देखा ये सब चीज को। इसलिए गुरुदेव मेरे द्वारा उन्होंने जितना दूर हो सकता है गुरुदेव हमने, और जब गुरुदेव विशेष करके जब रूप सनातन मठ में आते थे गुरुदेव वहां पर अक्सर करके जो रस ग्रंथ को रस विषय पर ज्यादा बोलते थे, जैसे कभी वहां पर वेणु गीत को उन्होंने पाठ किया, कभी उन्होंने भ्रमर गीत को गुरुदेव ने पाठ किया। जब पाठ करते थे आप लोग सब देखे होंगे गुरुदेव बोलते थे जो थोड़ी ये चीज को समझने वाले बोले आगे आकर बैठो, क्योंकि गुरुदेव बोलते थे हम बोलेंगे किसको, ये बात को कौन समझेगा, ये बात को कौन समझेगा, समझने वाले व्यक्ति तो इस चीज के लिए होनी चाहिए ना। इसलिए अगर कभी हम लोग पीछे बैठ जाते थे बोले आगे आओ,
पीछे क्यों बैठे हो, आगे आओ, सामने बैठो। हम देख करके बोलेंगे किसको, गुरुदेव का हम देख करके हम किसको बोलेंगे। इसलिए गुरुदेव बड़े सुंदर रूप में वहां पर वेणु गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, ये सब गीत को आकर के हमारे रूप सनातन मठ में आकर के उन्होंने वहां पर ये सब चीज को गुरुदेव पाठ करते थे। ब्रह्मचारियों को बैठा करके गुरुदेव वहां पर कथा सुनाया करते थे। गुरुदेव बड़े स्नेह करते थे, ब्रह्मचारियों को बड़े स्नेह करते थे। इसलिए एक समय हमने जब देवानंद गौड़ीय मठ में जब देवानंद गौड़ीय मठ में हम लोग एक साथ में परिक्रमा करते थे, उसी समय में हम गुरु जी जब चलते थे, हम लोगों को पता है गुरु जी के साथ में विदेशी देशी विदेश सबके सब गुरु जी के साथ में सबके सब झुंड झुंड चलते थे। अरे कभी कभी मैंने गुरु जी की मैंने भी कभी माधव महाराज जब इधर उधर होते थे, कभी कभी गुरुदेव मेरे को भी साथ में लेकर किसी घर में जाना, कभी कभी किसी जैसे वृंदावन में जो मंदिर बनता था रूप सनातन मठ हम लोग में रहता था, मथुरा मठ में गुरुदेव कभी मेरे को भी साथ में लेकर के कभी कभी जाया करते थे मठ में, रूप सनातन मठ में आते थे। कभी कभी जब वहां पर गए गुरुदेव के साथ में जब चले, सब दल बल को साथ में चलते थे गुरुदेव के साथ में। अभी उन्होंने त्रिविक्रम महाराज उनकी बड़े गुरु भाई लगते हैं, कभी उन्होंने त्रिविक्रम महाराज के साथ में मैं गुरु जी के साथ में गया और त्रिविक्रम महाराज के साथ में जाकर के मिले। जब मिले गुरु जी को साथ में तो सबके सब देशी विदेश लोग साथ गए। लेकिन जब उन्होंने त्रिविक्रम महाराज साथ में बात करके जब गुरुदेव वहां से चले गए ना, वहां से जब चले गए सबके सब, एक व्यक्ति भी त्रिविक्रम महाराज के पास रुके नहीं, सबके सब गुरु जी को साथ में चले गए। जब चले गए इतने में त्रिविक्रम महाराज कहते हैं, बोले तुमने देखा? मैंने क्या महाराज? बोले जब महाराज जी आए, महाराज को साथ में सबके सब लोग आ गए, लेकिन जब चले गए देखा सबके सब चले गए। मैंने कहा महाराज इसे कैसे हुआ? तो गुरु त्रिविक्रम महाराज कहते, बोले देखो ये सबके सब गुरु सेवा की फल है। कहते सबके सब गुरु सेवा की फल हमने देखा है। इसलिए नारायण गोस्वामी महाराज का जो गुरु निष्ठा है इनके अंदर में जो गुरु निष्ठा है, ये यही गुरु निष्ठा ही कहते ये ब्याग बोन, ये नीम ही भक्ति जगत का ये गुरु निष्ठा है। इसलिए जिस समय उनकी गुरुदेव उनके संन्यास देना चाहते थे, जब उन्होंने त्रिविक्रम गोस्वामी बावन गोस्वामी महाराज को बोले, बोले हमारी कोई अधिकार नहीं, हम सन्यासी बनने का, हमने देखा बड़े बड़े सन्यासी कैसे कैसे रहते थे, हमने चीज को देखा है, उनका कोई गुण नहीं सन्यास लेने का। जब महाराज को पूछे, बोले गौर नारायण तू क्या करोगे, महाराज क्या बोले? बोले जब मैंने अपना घर छोड़ करके आपका श्री चरण में आ गया, मेरी माँ के प्रति जो प्रेम, प्रति जो प्रेम, बच्चों का प्रति जो सारे प्रेम, मैंने गुरुदेव आपका श्री चरण मैंने दे दिया। इसलिए आप अगर सन्यास वेश देना मेरे को चाहते हो, आप सन्यास वेश में रख सकते हो, ब्रह्मचारी वेश में रखना तो ब्रह्मचारी वेश में रख सकते हो, अगर मेरे को नंगे रखना चाहते हो मैं नंगे भी रह सकता हूँ, क्योंकि आपके चरण में मैंने सब कुछ दे दिया। ऐसे गुरुदेव की निष्ठा, गुरुदेव के प्रति इनकी ऐसे निष्ठा थी। इसलिए जगत में उनका जितने वैभव गुरुदेव का हम लोग ने देखा, गुरुदेव का जो महिमा है, इसका क्या कारण है? कारण है इनकी केवल गुरु निष्ठा की वजह से ही जगत में इनकी इतना वैभव, इतने प्रचार और प्रसार, केवल एक ही कारण है श्री गुरु, केवल गुरु निष्ठा की, केवल इसका फल है। और जो गुरुदेव को साथ में हम लोगों ने देखे, क्या देखे गुरु जी को साथ में, जब गुरुदेव ने देवानंद गौड़ीय मठ छोड़ करके आ गए, किसी कारण से उनके साथ में बनी नहीं, जब गुरुदेव सब छोड़ करके फिर उन्होंने हमारे केशव जी गौड़ीय मठ बनाए, आप लोग जो थे आप लोग देखे होंगे, जो पहला बार परिक्रमा निकला थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, लेकिन पहले जितने लोग देवानंद गौड़ीय मठ में थे उससे ज्यादा लोग पहला बार परिक्रमा में महाराज को साथ में, गुरु जी का वैभव को हम लोगों ने देखा, गुरु जी कितने प्रभाव गुरुदेव का, पूरा परिक्रमा छोड़ करके आ गए और सब महाराज को साथ में इतने लोग होते थे, सारे गौड़ीय मठ में जितने लोग होते थे महाराज का परिक्रमा में, उससे ज्यादा लोग, जब हमारे लोग चलते हैं, जैसे कोई बाढ़ आ गया वहां, जैसे कोई बाढ़ आ गया गुरु जी को साथ में कोई, ऐसे गुरु जी की अद्भुत अद्भुत रूप में, गुरु जी की जो महिमा है अद्भुत अद्भुत रूप में। और गुरुदेव जब हम मथुरा में रहते थे, जैसे राधाष्टमी आती थी, जन्माष्टमी आता था, कोई गुरुवर का तिथि आता था, हमने देखा गुरु जी के अंदर में कितने उत्साह हमने देखा। हम उस समय यंग थे, लेकिन हमारे अंदर में इतने, हम सोचते थे
गुरुजी के अंदर में इतने उत्साह, राधा अष्टमी आए तो 4-5 दिन पहले सब ब्रह्मचारी सब राधा तत्व के ऊपर तुम बोलो राधा तत्व के ऊपर तुम बोलो है। गुरुदेव सबको कोशिश करते थे सब बोलने के लिए। जन्माष्टमी 4-5 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी होएगा उसके लिए पूरा तैयारी करते थे गुरुदेव, तैयार करते थे और इतने उत्साह को साथ में गुरुदेव जन्माष्टमी राधाष्टमी बड़े उत्साह को साथ में इतनी उम्र में भी गुरुदेव का जो उत्साह हमने देखा, क्योंकि गुरुदेव का हमने सेवा की, उत्साह सुनकर मैं कभी कभी दंग रह जाता था गुरु जी के अंदर में इतने उत्साह कैसे, ये सब उत्साह गुरु जी के अंदर में कहाँ से आता है, गुरु जी का उत्साह अंदर में कितने कहाँ से आता है, सब ये उत्साह कहाँ से आता है, ऐसे गुरु जी के अंदर में उत्साह है, ऐसे गुरु जी की जो प्यार गुरुदेव का जो प्रेम है ये अद्भुत रूप में गुरु जी का प्रेम और प्रीति अद्भुत रूप में जीव को प्रति है। हाँ इसलिए कहते एक समय कहते जिस समय में कभी कभी गुरुदेव जो मथुरा में रहते थे है, गुरुदेव जो मथुरा में रहते थे इसलिए कहते जब आप लोगों ने सब देखे होंगे हम लोग जैसे गुरुदेव कथा समाप्त हो गया जो कथा के बाद में जैसे गोवर्धन परिक्रमा के समय में ब्रजमंडल परिक्रमा समय में जैसे कथा समाप्त हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं जाकर गुरु जी के शरीर में तेल लगाते सब रामचंद्र प्रभु रोहिणी शुद्ध प्रभु और मैं भी उसमें और जो सीनियर जो वैष्णव लोग होते थे जाकर गुरु जी का तेल लगाते जब तेल लगाते थे तब गुरुदेव वहां पर बोलते थे बोला आज हरि कथा कौन कैसे हरि कथा बोला है हैं इसलिए तीर्थ महाराज कैसे बोले हैं वो महाराज कैसे हरि कथा बोले वो महाराज कैसे हरि कथा बोले इसी हरि कथा कौन कैसे हरि कथा बोले मतलब गुरुदेव का अभिष्ट कितना गुरुदेव का अभिष्ट हम देखता था गुरुदेव के अद्भुत रूप में गुरुदेव का कैसे अभिष्ट है जो जितने अच्छे सिद्धांत तत्व दर्शन बोलते थे गुरुदेव इसको सुनकर के बड़े प्रसन्न होते थे उन्होंने आज इतने सुंदर हरि कथा बोले वो आज इतने सुंदर हरि कथा बोले हैं इसलिए गुरुदेव का जो निष्ठा है कैसे जैसे सड़गो स्वामी के अंदर में गुरुदेव एक बार मेरे को बोल रहे थे देखो रसानंद जैसे गोस्वामी लोगों ने भजन किया है मैंने भी कोशिश की ऐसे भजन करने के लिए। गुरुदेव कहते थे जैसे गोस्वामियों ने संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसान कृत निद्रा आहार विहार विजित चात्यंत दीन चजो राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमान सन्महित बंदे रूप सनातनम रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। जैसे 6 गोस्वामी ने भजन किया मैं भी ऐसे कोशिश करता था ऐसे ही गिरिराज गोवर्धन में रह करके जहाँ पर हमारी गिरधारी गौड़िया मठ है इसी तरह से थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर खा लेता था और खूब भजन करता था। गुरुदेव कहते देखो ऐसे ही ये जीवन में तुम लोग ऐसे ही साधन भजन करो क्योंकि ये जीवन पता नहीं शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा नहीं होगा जितना दूर हो सके करो ये शरीर को रगड़ करके जितना दूर इससे लाभ ले सकते हो उसका लाभ ले लो। गुरुदेव इतना उत्साह दिया करते थे सब बच्चों को भजन के लिए इतने उत्साह दिया करते थे। इसलिए गुरुजी जैसे हम लोगों ने गुरुजी से हरि कथा सुने गुरुजी से हरि कथा सुनने के बाद लेकिन पता नहीं क्या हुआ हम और किसी की हरि कथा सुनने में हमको रुचि नहीं आई। गुरुजी कथा सुनने के बाद उनका तत्व सिद्धांत रस जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे रस और जीव गोस्वामी के जैसे सिद्धांत मानो गुरु जी की कथा के अंदर में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी का मानो ये दोनों चीज परिपूर्ण रूप में श्री गुरु जी के अंदर में दोनों का है जैसे ये अवतार जैसी ये दोनों का अंदर में। इसलिए गुरु जी का जो अवतार गुरु जी का जो देन है गुरुदेव जैसे साधन भजन किया गुरुदेव जैसे सबको साथ में प्रेम व्यवहार जैसे गुरुदेव करते थे हैं जैसे कभी ये तेरे ये सब बुद्धि छोड़ करके सबको स्नेह प्रीति ममता जैसे गुरुदेव करते थे ये चीज साधारण व्यक्ति के अंदर में ये चीज दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए एक दिन गुरुदेव इतने महान बने इसलिए गुरुदेव हमारे ऊपर में हैं गुरुदेव हमारे ऊपर में कृपा करे गुरुदेव का जो आदर्श जो भजन परिपाटी सब टाइम है हैं महाराज जी टाइम है चिंता नहीं। हाँ टाइम है अभी हमारे पास में टाइम नहीं हम कहीं जाना है प्रोग्राम के लिए जाना है। हाँ अच्छा जाना है चलो ठीक है फिर ठीक है कोई चिंता नहीं
ये तो आपसे इतनी बात सुन के फिर कि चाह रहा है मन की, मतलब और भी सुनते रहें जो पुरानी पुरानी चीजें रूप गोस्वामी पद की, और कितनी बातें आपने सुनो सुनो सुनाया आज, तो मन तो फिर कर रहा था कि और भी मतलब कि सुनते रहें आपसे, आधा घंटा और समय तो है, देख लो। और कभी होगा तो और हम कभी सुना देंगे। चलो ठीक है, ठीक हाँ है ठीक है, तो फिर इसलिए। दोबारा फिर बुला लेंगे आपको, है फिर हाँ ठीक है इसलिए गुरुदेव हम दोबारा सबको बुला परम लेंगे कृपा फिर। करे। ठीक हाँ गुरुदेव हम सबको परम कृपा करे, जैसे गुरु जी जैसे सबको है, प्यार देते थे, प्रेम देते थे गुरु जी के अंदर में, ये विशेष विशेष वस्तु था। ये चीज साधारण व्यक्ति के अंदर में ये चीज नहीं दिखता है। गुरुदेव के अंदर जो हृदय में जो प्यार प्रीति, तभी गुरु जी को साथ में हम सबके सब जुड़ करके इकट्ठे होकर के रहते थे। कभी भी हम लोग ये हमारे ये इसका कभी हम कभी सोचते नहीं थे। इसलिए गुरुदेव हम सभी के ऊपर आशीर्वाद करे, गुरुदेव का सबको परमेश्वर कृपा हो। हम भी गुरुदेव का जो मनोभीष्ट है गुरुदेव का जो इच्छा, गुरुदेव का क्या इच्छा है, उनको यही इच्छा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। इसलिए इनकी यही इच्छा, महाप्रभु का जो मनोभीष्ट पूरा दुनिया में जाए, सब लोग भगवान की भक्ति करे, भजन करे, सुखी होकर के सब भजन करे, यही गुरुदेव का इच्छा। इसलिए गुरुदेव नित्य वर्तमान गुरुदेव है, ये हमारे ऊपर में सबको ऊपर में ऐसे कृपा करे, उनका आदर्श को जैसे हम जीवन में ग्रहण करते हुए अपना भजन रास्ता में हम चल सके, हम सबके सब श्री गुरु जी के चरण में यही प्रार्थना करते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच हाँ पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्लस नित्यलीला महाराज प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की जय, प्रज्ञान महाराज सब गोस्वामी महाराज की जय। जय। नित्यलीला भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। सब परिकर गौर हरि की जय। प्रभुपाद की जय। श्री विजय प्रभु की जय। सुनने वाले सारे भक्त वृंदों की जय। निताई गौर प्रेमानंद दे हरि पूज्य की। पाद श्रीधर महाराज की जय। महाराज जी बिल्कुल मतलब तृप्ति नहीं हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि फिर दोबारा फिर कुछ दिन के बाद फिर दोबारा ये आपको हम इस कार्यक्रम में फिर बुलाएंगे आपको, और महाराज जी की बड़ी कृपा हुई है आज कि महाराज जी ने दिल खोल के अपनी बहुत पुरानी पुरानी बहुत सारी बातों को हम लोगों के सामने रखा है। तो उन्होंने विशेष करके कितना प्रीति प्रेम श्री गुरुदेव की और रूप गोस्वामी पाद की तिथि के प्रति, और जो रसोई सेवा के प्रति, कथा के प्रति, इस प्रकार कितनी ही बातें हैं महाराज जी ने सुंदर सुंदर रूप से शेयर किया है सब लोगों के साथ। तो इसलिए महाराज जी के प्रति हम लोग ऋणी हैं कि आप कृपा करें महाराज सब लोगों पर, इस प्रकार का सौभाग्य सब लोगों को प्राप्त हो, श्री गुरुदेव की महिमा जो है सबको सब लोग समझ सकें, और इस प्रकार का सौभाग्य सब लोगों को प्राप्त हो, आशीर्वाद करें आप। और हम लोग इसी के साथ जो आज का जो कार्यक्रम है करते हैं समापन। कल हम फिर दोबारा ठीक इसी समय पूज्य पाद भक्तिवेदांत सिद्धांती महाराज जी से भी हम लोग श्री गुरुदेव के बारे में सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि दे बोल। नहीं लोग यार हाँ तो 100 तक पहुंच गए थे इसमें। और फिर कोई